नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। सदर थाना पुलिस ने की कार्रवाई, गौ तस्कर टेलर चालक को किया गिरफ्तार। कुछ दिन पूर्व 22 गौ वंशों के साथ टेलर को सदर थाना पुलिस ने किया था जब्त। खबर धोसा से है, जहां सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गौ तस्कर ट्रेलर चालक साजिद मैप को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। सदर थाना प्रभारी रविंद्र सिंह ने बताया कि कुछ दिन पूर्व थाना सदर पुलिस ने 22 गौवंश से भरे हुए ट्रेलर को जब्त किया था। वहीं कार्रवाई को देखते हुए ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया है। धोसा से दीपक सैनी की। कंटेनर पकड़ा गया था जिसमें गोवंश भरा हुआ था। उसी प्रकरण में ये एक मुजिम नो मेवात से गिरफ्तार किया गया था, जिसके संबंध में इसे पूछताछ की जा रही है। और दूसरे जो इसके साथी मुजिम है और जो उनका लोकल कनेक्शन है उसकी भी जांच की जा रही है, और दूसरे मुजिमों को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। ये देखिए, गौ तस्करों का एक ये ऑर्गेनाइज्ड इनका एक गिरोह है। ये लोग जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं, जो कंटेनर होते हैं, तो इनमें जो बाहर माल लेके जाते हैं, जो आउट ऑफ हरियाणा और दिल्ली, तो वापसी में जब वापस वो गाड़ियाँ खाली जाती हैं तो उसमें स्थानीय लोगों की मदद से गायें भरी जाती हैं। और पुलिस और ग्रामीणों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, उसे बचने के लिए ये लोग कंटेनरों का उपयोग करते हैं ताकि किसी को पता नहीं चले।